अब तक आपने देखा कैसे रामा की विस्मृति का फायदा उठाते हुए तथाचार्य रामा का भरे दरबार में अपमान करते हैं और उसे निष्कासित करने का विचार महाराज के सामने रखते हैं। रामा की मानसिक अवस्था देख महाराज चिंतित होते हैं और उसके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कमल ककड़ी भेजते हैं। कमल ककड़ी खाने के बाद रामा को सारी बातें याद आती हैं और रामा खुद के खिलाफ हुए षड्यंत्र की गहराई तक जाने की ठान लेता है। अब आगे षड्यंत्र मैंने नहीं तथाचार्य ने किया था। मैं तो लालच के वशीभूत हो गया था और तथाचार ने मुझे भयभीत भी किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई पंडित रामकृष्णा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं केवल एक शर्त पर आपको क्षमा कर सकता हूँ कि आप मुझे भी एक ऐसी औषधि देंगे जिससे मैं आचार्य को सबक सिखा सकूँ। हाँ, मेरे पास एक चमत्कारी औषधि है जिसके सेवन करने से मनुष्य का व्यक्तित्व बदल जाता है। मैंने इसका परीक्षण भी किया है। इसके सेवन करने के पश्चात वो जो भी सुनेगा तदानुसार वो वैसा ही व्यवहार करेगा। अर्थात ये कि अगर आप उससे कहेंगे कि वो गधा है तो गधे के अनुसार व्यवहार करेगा, अगर आप उससे कहेंगे कि वो प्रखांड पंडित है तो वो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो फिर ठीक है, तय रहा कि आप आचार्य को उस औषधि का सेवन करवाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ कभी दिखेंगे भी नहीं, ठीक है? हाँ, मैं समझ गया, मैं यहाँ से उड़नछू हो जाऊंगा। परंतु आचार्य इस औषधि का सेवन क्यों करेंगे? उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यवस्था मैं करूँगा कि आचार्य सहर्ष आपसे उस औषधि को ग्रहण कर ले। आचार्य, अब आपका षड्यंत्र आप पर ही भारी पड़ेगा। अब देखिए ये रामा क्या करता है। पंडित रामा कृष्णा, ये यहाँ क्या कर रहा है? चलो थोड़ा उपवास करती है, बहुत ही आनंद आएगा। चल 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 चल। प्रणाम पंडित रामा कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। आप दोनों मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता, आप तो विश्व विख्यात पंडित हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, ये बैंगन लेकर कहाँ जा रहे हैं? बैंगन? अरे रामाकृष्णा, आपको क्या हो गया है? ये बैंगन नहीं, कमल ककड़ी है। कमल ककड़ी? अरे क्यों उपहास करते हैं, ये तो बैंगन है। नहीं पंडित रामकृष्णा जी, बैंगन तो बैंगनी वर्ण का होता है और ये भूरे वर्ण का है, इसीलिए ये कमल ककड़ी है। नहीं नहीं, ये बैंगन है। कमल ककड़ी है? अरे भाई बैंगन है, कमल ककड़ी है। अरे कहा ना बैंगन है, कमल ककड़ी है। अरे लामा तू यार, और मैं तुझे दबते दून लो। चल लामा, तू गलत है, तुझे भूलने की बीमारी। चल मनीष, ये बच्चा ही न्याय करेगा कि अंततः ये है क्या। गुंडप्पा बता, ये कमल ककड़ी है या बैंगन है? ये तो बैंगन है। देखा? और ये कमल ककड़ी है। अरे ये बैंगन है, बैंगन। क्यों हमें भ्रमित कर रहे हो? बैंगन है ये, बैंगन। अरे मैं कहाँ भ्रमित कर रहा हूँ, मैं बैंगन हर दिन खाता हूँ, मुझे पता है। और क्या अंतर पड़ता है, तुम इसे कमल ककड़ी समझ कर खा जाओ। जो भी हो, सब पेट में ही तो जाने वाला है। चल लामा, गलत है। चल सुनो तो। अरे धनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा बैगन है, कौन सा कमल ककड़ी, क्या करूं? हाँ, ऐसा करते हैं, गुरुजी के समक्ष दोनों को प्रस्तुत कर देते हैं। गुरुजी जिसे कमल ककड़ी कहेंगे वो कमल ककड़ी, जिसे बैगन कहेंगे वो बैगन है। अरे इसमें तो रख तो लेने दे। अरे मूर्खो मतिहीनो, ये कमल ककड़ी नहीं बैंगन है, बैंगन। लाने क्या भेजा था, लेके क्या आ गए? प्रभु, पूर्व जन्म में हमने ऐसे क्या पाप किए थे, ऐसे मतिहीनों से हमारा पाला पड़ा। गुरुजी, ये निश्चिंत कमल ककड़ी ही है। मूर्खो, ये कमल ककड़ी नहीं, ये बैंगन है। ये तो कमल ककड़ी है। गुरुदेव, हम तो आपके लिए कमल ककड़ी लेकर आए थे। आप व्यर्थ ही हम पर क्रोधित हो रहे हैं गुरुजी। अभी तो ये बैंगन थी, कमल ककड़ी कैसे हो गई? गुरुदेव, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। हमने आपका कार्य पूर्ण रूप से संपन्न कर दिया है। अरे मूर्खो, लेकिन एक ही क्यों लेके आए, वो भी पिद्दी सी। अभी तो यहीं खड़े थे। ये प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये अब मैं क्या बताऊं सौदामिनी देवी,
आचार्य को भूलने का रोग हो गया है, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहता। अपने आवास से निकलते हैं आपके पास आने के लिए और पहुंच जाते हैं राजदरबार। प्रातःकाल को रात्रि कहते हैं और रात्रि को दिवस। बोलिए। शिव 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 शिव, पंडित रामाकृष्ण, ऐसा क्या हो गया उन्हें? अब क्या बताऊं? कल वो सब्जी वाले से धनिया ले रहे थे और बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर चलते बने। 100 स्वर्ण मुद्राएं उसको दे दी? हाँ, उनकी इस व्याधि के कारण ही स्वर्ण का भंडार खाली होता जा रहा है और अब वो दिन भी दूर नहीं जब महान राजगुरु तथाचार्य दरिद्र हो जाएंगे। ये तो मैंने अपना कर्तव्य समझा और आपको सतर्क करने के लिए आ गया। क्या क्या सतर्क? आप संभवतः समझ नहीं रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम सब समझ गए, बहती गंगा में हम भी हाथ धो ही लेते हैं। हाथ क्या, मैं तो कहता हूँ संपूर्ण स्नान ही कर लीजिए, वैसे भी गंगा में स्नान करना तो पुण्य का कार्य होता है ना। अवश्य अवश्य। अच्छा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आचार्य। प्रणाम आचार्य। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए, मैं आपसे ही भेंट हेतु आ रहा था। अभी हम व्यस्त, कल द्वितीय पहर में आएगा तब बात करेंगे। अरे कोतवाल जी, प्रणाम। प्रणाम। कोतवाल जी, ये बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? दिवस के द्वितीय प्रहर में ना? पंडित रामाकृष्ण कैसी बात कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त द्वितीय प्रहर में कैसे हो सकता है? ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल होता है। अच्छा, तो प्रथम प्रहर में क्या होता है? प्रथम प्रहर में प्रथम प्रहर होता है। और द्वितीय प्रहर में? द्वितीय प्रहर में द्वितीय प्रहर ही होगा ना पंडित रामाकृष्ण। अच्छा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त द्वितीय प्रहर में होता है ना? अभी तो बताया कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में होता है, वो भी सूर्योदय के पूर्व। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। वो क्या है ना, मेरे गुरुदेव ने मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया है। आपके गुरु है? हाँ है, आचार्य तथाचार्य। तो आप भी उनसे भेंट करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे? नहीं, द्वितीय प्रहर में जाएंगे। क्यों, आप द्वितीय प्रहर में क्यों जाएंगे? अभी तो आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त द्वितीय प्रहर में नहीं होता, प्रथम प्रहर में होता है, तो आप उनसे मिलने ब्रह्म मुहूर्त में जाइए। हाँ, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया है तो आप जाइए ना। अरे मुझे बुलाया तो क्या हुआ, बुलाया तो गुरुदेव ने है ना, चाहे मेरे हो चाहे आपके, इसलिए आप भी ब्रह्म मुहूर्त में जाएं। भ्रमित ना हो कोतवाल जी। हाँ बात तो सही है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, निद्रा पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी तो है। प्रणाम। प्रणाम। मैं भी जाके सो जाता हूँ, लेकिन भेंट करने कब जाऊं? प्रथम प्रहर में? नहीं नहीं, द्वितीय प्रहर में, ब्रह्म मुहूर्त में। मैं सचमुच भ्रमित हो रहा हूँ, आचार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही मुझे बुलाए होंगे। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में ही जाता हूँ। आपने हमें रत्न जड़ित हार भेंट करने का वचन दिया था, वो वचन कब पूर्ण कर रहे हैं? हमने कब वचन दिया था? स्मरण नहीं, जब हमारा घुंघरू टूट के शैया के नीचे गिर गया था। घुंघरू टूट के शैया के नीचे गिरा था और हमने रत्न जड़ित हार भेंट करने का वचन दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पूर्ण रूप से आपको स्मरण कराते हैं। करवाई? जब आप घुंघरू ढूंढने के लिए शैया के नीचे घुसे थे और आपकी कमर अकड़ गई थी और हमने खींच के निकालने में आपकी टांग मरोड़ दी थी, आपका शीश शैया में लगी हुई कील से छिल गया था, चीखने में आपकी जीवा दांत के मध्य आके कट गई थी। हमें स्मरण है? तो रत्न जड़ित हार आपको स्मरण नहीं था? तू इतने कष्टों में रत्न जड़ित हार भेंट करने का वचन कैसे दे सकते थे? हम दिया था आपने वचन, किंतु अब आप मुकर रहे हैं, आप सब भूल जाते हैं। हमें सब स्मरण रहता है, अब तो आप वचन देकर भी भूल जाते हैं। अरे सौदामिनी देवी, आप तो रुष्ट हो गई, हमारी जो स्मरण शक्ति है बहुत तीव्र है, हमें सब स्मरण रहता है। वो जो गीत गाते हैं आपके लिए वो भी हमें स्मरण है, तेरे द्वार खड़ा है, जो सब तो स्मरण है। फिर ये इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं हम, कैसे? लगता है वैद्य से मिलना पड़ेगा। इतनी रात्रि कौन टपक पड़ा? तो ये भी कोई भेंट का समय है, निद्रा भी पूरी नहीं हुई,
प्रणाम आचार्य। अरे इतनी रात को मध्य रात्रि यहाँ क्या कर रहे हो? मध्य रात्रि नहीं आचार्य, ब्रह्म मुहूर्त। और आपने ही तो भेंट के लिए बुलाया था मुझे। हमने बुलाया था? हाँ, हमने तो द्वितीय पहर में बुलाया था। आप भूल रहे हैं आचार्य, ब्रह्म मुहूर्त कहा था आपने। हमें स्मरण है, हमने द्वितीय पहर में बुलाया था। आपकी स्मरण शक्ति छीण हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त कुछ स्मरण आया आपको? ब्रह्म मुहूर्त कहा था आपने आचार्य? जाइए जाइए आप यहाँ से, हमें आपसे कोई भेंट नहीं करनी है, जाइए। क्या हो गया है आचार्य को? विचित्र सा व्यवहार कर रहे हैं। कहाँ की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं। कैसे आना हुआ? हम औषधि लेने आए हैं। हाँ हाँ पता है पता है। पता है? कैसे पता? अभी आप ही ने कहा ना। हाँ। कौन सी औषधि? हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है। हो नहीं रही है, हो चुकी है। कमल ककड़ी को बैंगन बोलते हैं। हमारे गुरु जी की अवस्था ऐसी होगी, हरे को लाल लगहरा कहते हैं। इसे शुद्ध शीतल जल के साथ प्रातः काल और संध्या काल को सेवन करें, लाभ होगा और आपके स्मरण शक्ति वापस लौट आएगी। धन्यवाद। अब हमारा भीतर उड़न छू करने का समय आ गया है। गुरु जी ये बार बार नीचे चले जाते हैं, हमें लगता है इन्होंने मेज के नीचे सुरंग बना के रखी है। गुरुजी हम अभी पता करते हैं। चलो। जी गुरुजी। ये क्या था? ये अपने बुड्ढे को क्या हो गया है? कहीं मर तो नहीं गया? अरे नहीं धनी, ये बुड्ढा इतनी जल्दी नरक जाने वाला नहीं है। प्रभु दिन में ही निद्रा मग्न हो गए। कोई बात नहीं, हम तब तक सब काम व्यवस्थित कर लेते हैं। मैं तो हूँ चरणों की दासी, प्रभु मैं आपकी सेविका। सेवक है हम हैं सेवक। अरे प्रभु आप जाग गए? हे भगवान, देवी जी ये क्या कर रही हैं आप? हटिए, आप झाड़ू कैसे मारेंगी? आप देवी, हम सेवक, हम लगाएंगे झाड़ू, आप विश्राम कीजिए। गीदार बना रहे हैं। देवी हैं आप, देवी हैं, देवी हैं, देवी हैं, देवी हैं। आप रो रही हैं? हमसे क्या पाप हो गया देवी? आप हमसे रुष्ट हो गई? क्षमा, क्षमा कर दीजिए इस सेवक को, क्षमा कर दीजिए। हम आपको प्रसन्न करने के लिए अपना शीश काट कर आपके चरणों में अर्पित करेंगे देवी। हम आपको प्रसन्न करेंगे। हमारी देवी हमसे रुष्ट है, हम अपना बलिदान देंगे। औषधि, औषधि, अभी लाए। औषधि, अपनी काम करेगी। हमें अपनी सेवा करने दीजिए। स्वामी शांत। ये, हाथ। औषधि, औषधि नहीं चाहिए स्वामी। हम नहीं खाएंगे। आपको हमारी सौगंध। हमारी, हमारी सौगंध स्वामी। आपने सौगंध दे दी? औषधि ग्रहण करी स्वामी। अवश्य। हम अवश्य खाएंगे, हम अवश्य खाएंगे। जल, जल दो। हाँ, पी लीजिए जल। अवश्य, हम आपके सेवक हैं, हम आपके। हो गया हमारे स्वामी को ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? थोड़ा मानसिक तनाव का असर है।
गुरु माता आप किंचित भी चिंतित ना होइए, हम राज दरबार के द्वारपाल की तरह पहरा देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए गुरु माता, हम हो जाएंगे द्वारपाल। हम है द्वारपाल, हम है द्वारपाल। आप राजपुरोहित हैं? नहीं, हम द्वारपाल हैं। हमें दरबार में उपस्थित होना है, हमें विलंब हो रहा है, हटिए हटिए। स्वामी हम है द्वार तुम्हारा इतना साहस, तुम हमारा स्थान ग्रहण करो और यहाँ खड़े हो जाओ। जाओ जाओ यहाँ। भैया क्या कर रहे हैं गुरुवर आप? गुरुवर? तुमने हमें गुरुवर कहा? क्यों कहा? अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि इस द्वार की रक्षा करने की शिक्षा हमने तुम्हें दी। अच्छा, ये कैसा विचित्र व्यवहार कर रहे हैं आप? लाइए हमारा भाला हमें दीजिए। नहीं देंगे, क्यों देंगे? आज दरबार के द्वार के रक्षक हैं हम, यदि भाला दे देंगे तो रक्षा कैसे करेंगे? अरे मनी, ये बुड्ढा तो भाला लेकर यहीं अड़ गया है। पधारिए श्रीमान। गुरुवर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने भी हमें गुरुवर कहा। अंततः कितने लोगों को द्वारपाल का प्रशिक्षण दे रहे हैं हम, अद्भुत है। वैसे गुरुवर जैसी आपकी योग्यता है उस हिसाब से तो आपके ऊपर द्वारपाल का ही पद सुशोभित करता है, परंतु पता नहीं कैसे आप इस दरबार के इस राज्य के राजगुरु बन गए। तो राजगुरु जैसा व्यवहार कीजिए ना गुरु जी। नहीं, हम द्वारपाल द्वारपाल जैसा व्यवहार करेंगे। भाला छोड़िए गुरु जी, छोड़िए भाला, छोड़िए गुरु जी, छोड़िए, अरे छोड़िए गुरु जी। अरे पंडित रामकृष्ण मंत्री वर, हमारे गुरुवर की रक्षा कीजिए। हाँ हाँ, आप दोनों शांति रखिए, बस कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए, महाराज बस दरबार में पधारते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। महाराज कृष्णदेव। अरे धनी, रामकृष्ण तो स्वस्थ प्रतीत हो रहा है। महाराज महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। ऐसा प्रतीत होता है यही महाराज है। गुरुवर आप यहाँ द्वार पे क्या कर रहे हैं? महाराज आपने भी हमें गुरुवर संबोधित किया, क्या हमने आपको भी द्वारपाल का प्रशिक्षण दिया? महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण जी, महाराज आपका विशेष सलाहकार, आपसे विनती करने आया हूँ कि अब मेरा अवकाश समाप्त कर दीजिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ महाराज, और यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा भी कर दे। पंडित रामकृष्ण आप स्वस्थ हो गए हैं, हम प्रसन्न हैं, परंतु आप स्वस्थ हो गए और गुरुवर अस्वस्थ हो गए, ये द्वार पे क्या कर रहे हैं? महाराज आप अपने सिंहासन पर विराजमान हो, मैं अभी आपको संपूर्ण स्थिति के विषय में स्पष्ट बताता हूँ। चलिए। पंडित रामकृष्ण जी, महाराज तो महाराज आप ये जो कुछ भी देख रहे हैं ये औषधियों का चमत्कार है। औषधियों के चमत्कार? हम कुछ समझे नहीं। महाराज आपने मेरे उपचार के लिए मुझे जिन राज वैद्य के पास भेजा था वो तो बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति निकले, उन्होंने अनेक प्रकार की औषधियों का आविष्कार किया है। ये तो अच्छी बात है पंडित रामकृष्ण, किंतु अभी भी हमारे समक्ष बात स्पष्ट नहीं हो रही है। जी महाराज, उनकी औषधि के चमत्कार से ही मेरी पिछले 5 वर्षों की स्मृति लुप्त हो गई थी। परंतु उन्होंने ऐसा क्या किया पंडित रामकृष्ण, और किस प्रयोजन से? महाराज मैं और आचार्य दोनों ही राज वैद्य के शोध का विषय रहे हैं, उनकी औषधियों का परीक्षण हम पर किया गया है। नगर कोतवाल जी महाराज, उस वैद्य को पकड़ा जाए और उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। उनकी चिंता छोड़िए महाराज, वो तो कब का विजयनगर से पलायन कर चुके हैं, मैं स्वयं उनसे भेंट करने गया था तब मुझे सारी स्थिति का ज्ञान हुआ, और महाराज मैं आपका भी अत्यंत आभारी हूँ। हमारे आभारी? हम कुछ समझे नहीं पंडित रामकृष्ण। महाराज औषधि के प्रभाव से मेरी पिछले 5 वर्षों की स्मृति खो गई थी, परंतु आपने जो कमल ककड़ी भेजी उसका सेवन करने के पश्चात मेरी स्मृति लौट आई और मेरी स्मरण शक्ति भी ठीक हो गई महाराज। पंडित रामकृष्ण आपको आभार हमारा नहीं महारानी तिरुमलम्बा का व्यक्त करना होगा,
उन्होंने ही हमें सुझाया था कि कमल ककड़ी के सेवन से स्मरण शक्ति तीक्ष्ण हो जाती है। मैं उनका भी अत्यंत आभारी हूँ महाराज, परंतु गुरुवर का क्या, उन्हें हम पूर्ववत कैसे करेंगे? गुरुवर जीवन पर्यंत द्वारपाल बने रहेंगे। पंडित रामकृष्ण, ये तो अत्यंत गंभीर समस्या है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.